उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में 6 जुलाई को कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर में प्रवेश करेगी। 113 साल में पहली बार ऐसा होगा जब विधान परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा। इसके एकमात्र सदस्य दीपक सिंह का उस दिन कार्यकाल समाप्त होगा। इस तरह से कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे मोतीलाल नेहरू से प्रारंभ हुआ यह सिलसिला उनकी पांचवी पीढ़ी के समय में खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना 5 जनवरी 1887 को हुई थी। तब इसके 9 सदस्य हुआ करते थे। 1909 में बनाए गए प्रावधानों के तहत संख्या बढ़कर सदस्यों की 46 कर दी गई, जिनमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 26 रखी गई। इन सदस्यों में से 20 निर्वाचित और 6 मनोनीत होते थे। मोतीलाल नेहरू ने 7 फरवरी 1909 को विधान परिषद की सदस्यता ली। उन्हें विधान परिषद में कांग्रेस का पहला सदस्य माना जाता है। हालांकि 1920 में कांग्रेस की सरकार के साथ असहयोग की नीति के तहत उन्होंने सदस्यता त्याग दी थी। तब यूपी को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद 1989 तक विधान परिषद में नेता सदन कांग्रेस का ही रहा। इस अवधि में सिर्फ 1977 और 1979 ही अपवाद रहा, क्योंकि तब ये पद जनता पार्टी के पास था। विगत 33 सालों में कांग्रेस विधानसभा में सिकुड़ती गई। इस बार हुए विधानसभा चुनाव में तो सदस्य संख्या के लिहाज से अपने सबसे निम्नतम स्थिति में पहुंच गई है। उसके बाद 2 विधायक जीते और 2.5% से भी कम मत मिले। इसका असर विधान परिषद में उसकी सदस्य संख्या पर पड़ना लाजमी था। वर्तमान में विधान परिषद में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य दीपक सिंह बचे हैं और उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए निकट भविष्य में कांग्रेस के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व की उम्मीद भी किसी को दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए MLC चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ है। आने वाले समय में भी अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जुलाई के पहले सप्ताह में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद भी सपा से छिन जाएगा। वर्तमान में सपा के 17 MLC हैं। इनमें से 12 सदस्यों का कार्यकाल 6 जुलाई तक अलग अलग तारीखों में खत्म हो रहा है। 6 जुलाई के बाद सपा के पास महज 5 सदस्य विधान परिषद में रह जाएंगे। बताते चले कि 36 सीटों पर हुए MLC चुनाव में भाजपा ने 33 सीटें जीती हैं। 2 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में आई हैं। 1 सीट जनता दल को मिली है। यूपी की राजनीति में भाजपा ने पहली बार विधान परिषद में बहुमत हासिल किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आजादी के बाद से कांग्रेस का 90 के दशक तक एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन अब पार्टी की हालात छोटे छोटे दलों से भी बदतर हो गई है। वहीं BJP एक के बाद एक इतिहास रचती चली जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 37 साल में पहली बार कांग्रेस 399 सीटों पर चुनाव लड़ी और महज 2 सीटें ही जीत सकी। हार से हताश कांग्रेस के स्थानीय निकाय MLC चुनाव का मैदान ही छोड़ दिया, जिसके चलते विधान परिषद में कांग्रेस 0 पर पहुंचने जा रही है। वही आजादी के बाद कांग्रेस की हालत सूबे में पहली बार इतनी खराब और खस्ता हो चली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।